महात्मरी के डॉक्टर एम सी बुकी को दरखावा की मरीज से एम सी एम वो दरखावा की ना पॉइजन से पॉइजन अपनी से वो दरखावा की अलग है कल सुबह 5 बजे हमें फोन आया था कि गौशाला में बहुत सारी गाय बीमार पड़ गई है और बहुत सारी का डेथ भी हो चुका है। तो हम यहाँ पहुँचे, हमने देखा तो 25-30 गाय मरी हुई पड़ी थी अलग अलग जगह पे, कैंपस में, बाहर, सब जगह पे मरी हुई पड़ी थी। और जो बीमार थी तो हमने हिस्ट्री ली, तो यहाँ इन्होंने बताया कि कुछ समोसा पट्टी करके आता है जो यहाँ मैदे से बनता है कोई फैक्ट्री में, तो वहाँ से वो समोसा पट्टी लाया गया था और वो एबंडेंट मतलब पूरा मैंजर भर के एक गौशाला का जो सेक्शन है उसमें डाला गया था, तो गायों ने वो कंज्यूम कर लिया, खा लिया। तो उसकी वजह से जो मैदे से बनती है कार्बोहाइड्रेट की चीज़ है, तो ये रूमिनल जो एनिमल है इसको ये डाइजेस्ट नहीं होता है एक्सेस क्वांटिटी में। कुछ क्वांटिटी तक ठीक है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर वो डाइजेस्ट नहीं होता है और वो एसिडोसिस डेवलप करता है। और जब रूमेन में एसिडोसिस डेवलप हो जाता है तो रूमेन की एक्टिविटी बंद हो जाती है और इनका जो कॉम्प्लिकेशंस आता है वो ब्लड पे भी आता है, उसकी वजह से हार्ट पे आता है और गाय की डेथ हो जाती है। और ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी गाय ने कितना खाया है। जो गाय ने ज़्यादा खा लिया था वो गाय का तुरंत मौत हो गई। तो हमारे हिसाब से तो ये एक्यूट एसिडोसिस से ही इसकी मौत हुई है। एक कंप्लेन की है पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ, तो पुलिस की इंक्वायरी चालू है।